The notion of uh, nuclear physics. Let's start with the next part: radioactivity. Right. So, in the uh, radioactivity was discovered in 1896, right, by Anthony Henry Becquerel, right, right, Anthony T O I N E, right, Henry. जिनके नाम से यूनिट है, -E 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 right? so, है? नु, मतलब है वो डिस इंटीग्रेट होते हैं और होने के बाद क्या करते हैं अल्फा पार्टिकल को एमिट करते हैं बीटा पार्टिकल सम्पोनेट बाई ग तो अगर डिफाइन करेंगे रेडियो एक्टिविटी को राइट रेडियो एक्टिविटी इज द डिसइंटीग्रेशन राइट रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी इज द स्पोंटानियस इज द स्पोंटानियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑप्सम न्यूक्लियाट्स ऑप्शन न्यूक्लिया न्यूक्लियाड्स को क्या कहते हैं कल रेडियो न्यूक्लियाड्स राइट कल रेडियो न्यूक्लिया विथ द इमीशन ऑफ विथ द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल राइट विथ द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल और बाय गामा रे गामा रे गामिशन करेक्ट ठीक है ना और एक चीज यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी जो होता है ना इट इज नॉट एफेक्टेड बाय टेम्परेचर प्रेशर और एनी केमिकल कॉम्बिनेशन रेडियो एक्टिव डी जो होता है एक रैंडम प्रोसेस होता है मतलब हम वी कैन प्रेडिक्ट और uh, मतलब कब एक इंडिविजुअल न्यूक्लियस डीके होगा उसको हम नहीं बता सकते राइट तो चलो इसके बाद तुरंत चलते हैं किस पे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के क्या होता है नेक्स्ट नेक्स्ट लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डी के है रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है स्टूडेंट्स देखो किस रेट से एक न्यूक्लियाई डिस इंटीग्रेट होगा मतलब रेट ऑफ डी के कोई भी एक्सम्पल का किस रेट से डीके होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करती है is directly proportional to the number of nuclei present in the sample, that means यहाँ पर आप लिख सकते हो, the rate of decay, right? the rate of decay. K, D मतलब time के हिसाब से कैसे वो D K हो रहा है, घट रहा है, D N by D T, D K of sample, D K of sample is proportional to प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लिया इन द सैंपल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन दूर दैट मीन्स अगर थोड़ा उसको मैथमेटिकली लिखे तो डीएन बाई डी टी रेट ऑफ डीके इज प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई राइट और यहां पर अगर प्रोपर्शनलिटी हटाएंगे तो एक प्रोपर्शनलिटी कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे ना सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच माइनस लामा इंटू एन ये जो लामा है उसको कहते हैं डीके कॉन्स्टेंट लामडा को क्या कहते हैं लमड़ा का नाम है डी के कॉन्स्टेंट ठीक है और इसको भी मतलब उसका दूसरा नाम भी क्या है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं राइट उसको भी कहते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है ना और अनलेट अगर हम इसको थोड़ा देखें कि हमने इंटीग्रेट किए और मतलब डिसइंटीग्रेट हुआ और जब जब डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था तब मान के चलो एन नॉट न्यूक्लियाई थे अब डिसइंटीग्रेट होने के बाद मतलब थोड़ा लिखते हैं इसको राइट इफ एन नॉट न्यूक्लियाई इफ एन नॉट न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट क्वल टू जीरो राइट देन आफ्टर टी टाइम देन आफ्टर टी टाइम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट आफ्टर टी टाइम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एन है समझ रहे हो ना मतलब एन एन क्या है

तो इसलिए माइनस सिंबल हम लिए थे यहाँ पर माइनस लामड़ा लिए थे राइट right? तो ये एक्सप्रेशन हमें आ जाएगा एन इज इक्वल टू एन नॉट इन टू टू दावर माइनस लामा टी समझ पेटिंग नॉट तो यहीं से एक एक चीज चलो डिराइव करते हैं एक्टिविटी किसको कहते हैं वट इज नोन एज एक्टिविटी एक्टिविटी किसको कहते हैं नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस अकरिंग इन रेडियो एक्टिव सबस्टेंस पर सेकेंड राइट सो एक्टिविटी के बारे में टोटल डी के राइट द टोटल डी के रेट द टोटल डी के रेट मतलब माइनस डी एन बाई डी टी टाइम के हिसाब से ऑफ ए साम्पल टोटल डी के रेट ऑफ ए साम्पल इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज द Number of nuclei disintegrating, number of nuclei disintegrating per unit time, disintegrating per unit time is known as activity, is known as activity.

और ये जो एन हम लिया है क्या है नंबर ऑफ न्यूक् रिमेन जो भी डिस इंटीग्रेट नहीं हुए कितना बच गया तो अगर हम टी नॉट पे सोचेंगे इफ आर नॉट इज द एक्टिविटी आर नॉट इज द एक्टिविटी टी इज इक्वल टू देन आफ्टर टी टाइम देन आफ्टर टी टाइम एक्टिविटी आर इज राइट राइटिंग नाउ ऑल

अभी श्रेया श्रेय सचिश मिता गेटिंग ना yes, तो चलो अभी यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी पे चलते हैं लेट्स गो टू नाउ यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी रिमेंबर ऑल द इंफॉर्मेशन एंड द डाटा राइट स्टूडेंट्स देखो इसका यूनिट क्या होता है वन साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से बेक्यूरल बी ई सी क्यू यू ई आर ई एल दैट इज इक्वल टू वन डी के पर सेकेंड

समझेगी नहीं सो so दल्सो और भी एक यूनिट है रदर फोर्ड राम किए थे तो सेकेंडीग्रेशन टेंडर सिक्सन पर सेकेंड समझ पाया यूनिट के बारे में थोड़ा आइडिया हुआ सबको ऑल गैट गट आइडिया अबाउट यूनिट राइट ठीक है नहीं चलो एक चीज और बता देता हूँ स्टूडेंट जैसे भी एक होता है हाँ

for the number of nuclei the time for the number of nuclei the time for the number of nuclei or the activity or the activity to decrease by a factor of to decrease by a factor of half Is 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 the life. Is the half 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 life. life. so that means t is equal, mm -hmm. students, t equal equal to to by lambda. अप्रोक्सीमेटली जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री by lambda. Right? डी के कॉन्स्टेंट ये हुआ हाफ लाइफ इसके बाद चलते एवरेज लाइफ और मेन लाइफ राइट नेक्स्ट राइट

The average of the lives of all the nuclei in a radioactive substance in a radioactive substance is called mean life is called mean life or average life of that substance and it is denoted by right it is denoted by it is denoted by tau that is equal to how much t average we get just a minute

So it can be shown that the mean life of a radioactive to your points at karo the mean life of a radioactive substance, the mean life of a radioactive substance is equal to is equal to the reciprocal of

अगर यहाँ पर हम देखेंगे टाव को अगर हम देखेंगे स्पेशियली तो दाव इज इक्वल हाउ मच मैच द पॉइंट्स विथ एनसी राइट रीड इट लाइन बाय लाइन जीरो पॉइंट नाइन सिक्स नाइन वन सो उसको सोल्व करने से वन

तो इसका मतलब क्या है यहां से क्या हम निकाल बोल सकते हैं मीन लाइफ इज लंगर देन राइट डैश मीन लाइफ इज लंगर देन मीन लाइफ इज लंगर देन हाफ लाइफ है ना एंड द रीजन इज दैट उसका क्या रीजन है रीज़न में ये क्वेश्चन को हम देख सकते हैं द रीजन इज दैट The last few nuclei, right? The last few nuclei of the radioactive substance, of the radioactive substance, have very long lives. Have very long lives. Understood? LIVES. वेरी लॉन्ग लाइफ समझ पा रहा है गेटिंग ना स्टूडेंट्स चलो कुछ और कुछ पॉइंट्स आर्ट करते हैं इस पे कि किस तरह की चीजें होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और इसके सारे चीज जो छोटा छोटा शर्ट नोट्स जो है उसको बना देते हैं ठीक है तो उसके बाद तो स्टूडेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट आफ्टर हैंड लाइफ Is after t is equal to n times of, अगर कितना डीके होता है उसको हम निकाल सकते हैं राइट right? तो एक पॉइंट करके हम लिख सकते हैं यहाँ पर कुछ एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पर ऐड करो राइट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट आफ्टर एन हाफ लाइव आफ्टर एन हाफ लाइव्स दैट इज

एक अगर हम बोलेंगे कि आफ्टर आफ्टर वन वन मीन वन मीन और एवरेज लाइफ इज इक्वल हाउ मच नॉट बाय सो दैट टू थर्टी सेवन परसेंट ऑफ एन नॉट क्योंकि जीरो पॉइंट थ्री सेवन एन नॉट था हमारा अंडरस्टूड ना

तो इस तरह के एक्सपोनेंशियल हमने डी के लिए थे है ना तो एक बात बोलते हैं यहाँ पर ये जो पॉइंट हमने लिए हैं ये क्या है सर ये जो और और पॉइंट मतलब एन नॉट बाई टू और आर नॉट बाई टू उसी टाइम पे जो टाइम उसको क्या कहते हैं हाफ लाइफ कहते ना स्टूडेंट टी हाफ होता है ना वही है नहीं? टी हाँ ना, है ना? Okay. Yeah. और एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जहां पर टी एवरेज लेते हैं क्या लेते हैं यहां पर so, मतलब क्या? इस से अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? अभी क्या निकले? Right? है ना? अगर बोथ साइड पे हम लॉग ले ली ये एक ग्राफ वो कैसे वेरी कर रहा है कैसे हम जो चीज हमने बोले उसको ग्राफिकली हम कैसे दिखा सकते हैं right? राइट तो अगर हम इक्वेशन की बोथ साइड पे लॉग ले, ले मतलब

और यहाँ पर एक और एक दो पॉइंट्स में यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा जो कि आपको डायरेक्टली इस सारे ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ एक एक क्वेश्चन की सोल्यूशन से राइट तो उसको थियोरिटिकल फॉर्म में बता दे रहा बताते अभी सो देट आप नोट्स आपके पास हमें से अवेलेबल रहेगा आप कभी भी उसको रिवाइज कर सकते हो राइट स्टूडेंट और एक क्वेश्चन मान के चलो लेट आर वन बी द एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेट आर वन बी दर वन बी एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस Activity of radioactive substance at t is equal to t1 and r2b, the activity at t is equal to t2, then r1 is equal to how much students lambda n1 and r2 is equal to how much lambda n2. दैट so मीन्स अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिस इंटीग्रेटेड इन उसी टाइम की गैप में मतलब टी टू माइनस टी वन पे तो यहाँ पर आप एड कर सकते हो नंबर ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिस इंटीग्रेटेड इन टी टू माइनस टी वन इज एन वन माइनस एन टू

अंडरस्टूड स्टूडेंट्स ये वाला एक एक्सप्रेशन ये क्वेश्चन दिया और दिया रहेगा t1 t2 ठीक है n1 दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हो रिलेशन है ना ठीक है स्टूडेंट्स अंडरस्टूड और एक पॉइंट यहाँ पर आ करते हैं देखो स्टूडेंट इफ डटर न्यूक्लियस इज अ न्यूक्लियर डीके इटसेल्फ रेडियो एक्टिव देन द कंडीशन फॉर व्हिच द नंबर ऑफ डटर न्यूक्लियस बिकम्स कांस्टेंट स डायरेक्टली ये फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आता है राइट इफ्टियस इन ए न्यूक्ट सेल्फ इज इट सेल्फ रेडियो एक्टिव इज इट सेल्फ रेडियो एक्टिव राइट इज इट सेल्फ रेडियो एक्टिव right here you know? right is itself radioactive if a daughter nucleus is a nuclear decay itself radioactive right then the condition for which right then the condition then the condition for which

मतलब ये जो लैम्बडा पी एंड लैम्बडा डी ये क्या है डीके कांस्टेंट ऑफ द पेरेंट एंड द डॉटर न्यूक्लियर राइट लैम्बडा पी एंड लैम्बडा डी आर डी के पेरेंट गुड इवनिंग सर डॉटर न्यूक्लियाई पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लिया ठीक है एनपी एंड एनडी be the number of parent and daughter nuclei be the number of parent and daughter nuclei ठीक है टाइम टी मतलब ये चीज को याद रख के आठ टाइम टी अब डायरेक्टली इस फॉर्मूला से भी कोई एक दिन दिया होगा कोई एक पूछा होगा ये भी हम कर सकते हैं राइट और स्टूडेंट ये रेडियो एक्टिव डी के न्यूक्लियस जो होता है ये

half life for the first process is T1 and that for the and that for the second process is T2 that for the second process is T2 then the effective then the effective half life उसको लगा कर सकते राइट right? एंड जब कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है की नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टीकेश्चन मिल सकता है की नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से वन माइनस माइनस लामडा टी इस फॉर्मूला से भी हम कर सकते हैं अगर इसका उसने करेस्पोंडिंग ग्राफ पूछा की ये जो हुआ इसका ग्राफ कैसे हुआ नंबर ऑफ न्यूपीआई तो देखो यहाँ पर अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेट राइट एंड ये है टाइम तो यहाँ से शुरू होता है ऐसे तो एक पॉइंट के बाद ये जो लाइन हम बना रहे हैं ये जो जा रहा है लाइन राइट right? इसको क्या कहते हैं एन नॉट ये एन वन से और ये टाइम है राइट right? और प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस टू सर्वाइव इन टाइम टी पी सर्वाइवल क्या होता है सिंपल एन बाई एन आपको राइट right? तो यहाँ पर दो पॉइंट्स ऐड कर देते हैं राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ़ न्यूक्लियस टू सर्वाइव इन टू सर्वाइव इन टाइम टी इज

of a nucleus to disintegrate in time t so that is is p disintegration right p disintegration is equal to 1 minus p survival

और इसके रिगार्डिंग हम कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर दें कि किस तरह की के क्वेश्चन आता है इस रेडियो एक्टिविटी के ऊपर ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है सिंपली हम कर सकते हैं तो आज थोड़ा आप इनशियटिव बुक निकाल के ये सारे थ्योरी को एक बार रिवाइज करो जो सब्जेक्टिव डेरिवेशन से रेडियो एक्टिव डीके का उसको बनाओ और ग्राफ्स के बारे में ठीक है फिर कल हम इसके इसको कंटिन्यू करेंगे ठीक है